गुड मॉर्निंग एवरी वन. द डे हैज़ जस्ट बिगिन इनसाइड साधना फॉरेस्ट. अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 और मैं उठ गया था कुछ 5:30 बजे के आसपास. यहाँ पे वेकअप कॉल नहीं मिलता है, आपको खुद ही उठना पड़ता है. एक्चुअली ये जो आप पीछे देख रहे हो, दिस इज़ माई हट, जिसमें मैं बाकी फेलो जो यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं उनके साथ स्टे कर रहा हूँ. और ऐसी अलग अलग हट्स हैं इधर देयर. ये रही एक हट आगे है, एंड वो किचन एरिया है. वो किचन है और ये वाला जो एरिया, दिस इज़ अ कॉमन एरिया. तो मैं 5:30 बजे उठा, उसके बाद फ्रेश वगैरह हुआ और 6 बजे हमारा यहाँ पे ब्रीफिंग सेशन होता है. उसके अंदर हमें 15 मिनट का स्ट्रेचिंग होती है, जनरल वेरी जनरल एक्सरसाइज वगैरह जो होती हैं उसमें थोड़ा सा मसल स्ट्रेच वगैरह होता है. एंड देन उसके बाद वी हैव बीन असाइन, अब हमें अलग अलग काम असाइन कर दिया जाता है. सो जनरली वो सब काम को ना यहाँ पे सेवा बोला जाता है. काम नहीं है एक्चुअली, इट इज़ कॉल्ड सेवा बिकॉज इट इज़ अ वॉलंटियरी सर्विस. वॉलंटियर कर रहे हैं हम सब यहाँ पे. तो सारे अलग अलग टास्क हैं जो हमको असाइन होते हैं और हम सब मिलके करते हैं. तो मेजरली 2 टास्क होते हैं. एक होता है मॉर्निंग में कुकिंग का, सबके लिए खाना बनाना, और उसके अलावा बाकी जनरल टास्क होते हैं, क्लीनिंग हो गया, साफ़ सफाई हो गई, कपड़ों की धुलाई हो गई. देन देयर इज अ गौशाला जहाँ पे आप जाके जो गाय हैं उनके साथ उनका केयर करते हैं, उनका बाथिंग वगैरह, उनका खाने का अरेंजमेंट. तो मैंने ऑप्ट किया था किचन का, कुकिंग का काम. तो आई हैव बीन असाइंड टू फ्रूट्स वगैरह कट करना ब्रेकफास्ट के लिए, जो होगा अराउंड 8:30 बजे के आसपास. सो एज ऑफ नाउ यहाँ पे अराउंड टोटल स्टाफ और वॉलेंटियर्स मिला के 20-25 लोग हैं, और जिसमें से कुछ 7-8 लोग तो यहाँ के, लाइक इन टोटल 7-8 लोग तो यहाँ के एम्प्लॉयज़ और जो मैनेज करते हैं वो ही हैं ऑर्गेनाइजेशन के. एंड रेस्ट 12-13 लोग यहाँ पे वॉलेंटियर कर रहे हैं, मेरे जैसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि अपना इंडिपेंडेंटली आए हुए हैं यहाँ पे सेवा देने के लिए, वॉलेंटियर सर्विस करने के लिए. तो चलो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना दिन. दिस इज विद्या, से हाय टू माय ऑडियंस. चंदन, आंसर योर नेम. शक्ति वेर. तो अभी हम लोगों को असाइन हुआ है काम फ्रूट काटने का ब्रेकफास्ट में. तो लेट्स बिगिन. Okay, we have a poha in the breakfast today and the happy faces of the people. And here comes our head chef, Piyush Bhai. Mr. Piyush. Happy. And let's capture the reaction of the Akash. Aaj bhai peela poha bana hai. जज्बात बदल गए हैं, हम तो यही कहना चाहेंगे. दबा के खाएंगे, दबा के पेलेंगे, एकदम पेल ही देंगे. आज कुछ छोड़ने का मतलब ही नहीं बचा है. इतना पेलना है कि क्या बताएगा. एकदम 4-5 प्लेट तो खाना ही है आज ना. वेस्ट नहीं होने दूंगा, मैं बचाऊंगा नहीं लंच के लिए. पोहे को छोड़ना ही नहीं है सही में. आज तो पूरा खत्म कर देंगे. मेरे को लगता है बाकी लोग भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे खाने के लिए. बहुत ऑल राइट एवरीवन, तो ब्रेकफास्ट वगैरह हमने बना लिया है. दिस इज मेरे पीछे पूरा किचन एरिया है. दीज आर द यूटेंसिल्स. दिस इज़ द वॉशिंग एरिया यहाँ पे आपका. एंड बिकॉज सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ध्यान है और वी ट्राई टू कंजर्व मैक्सिमम वाटर, सो वी डू द 3 स्टेप्स. फ
first we dip the utensils in this jar, then the second and the third, and then post that, drop it here in this water, pani or vinegar isme, to completely sanitize the utensils. We'll put it up over here. And आज तक मैंने सिर्फ वेज और नॉन वेज मील ही सुनी थी. आई हैव मैंने रागी के बारे में सुना था, बट वॉट इज़ वेगन आई वॉज नॉट, मेरे को नहीं पता था. बट यहाँ पे ना साधना फॉरेस्ट के अंदर दे आर टोटली वेगन मील्स सर्व होती हैं. वेगन मील्स का मतलब यू आर नॉट यूजिंग एनी डेयरी प्रोडक्ट्स और एनी ऑफ दी रिसोर्सेज फ्रॉम दी एनिमल्स, लाइक जैसे कि शहद, मधुमक्खी का शहद, या फिर आपका गाय और भैंस का दूध, तो वो सब प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ होते हैं. यहाँ पे सिर्फ आपका टोटली वेगन होता है. वेगन के अंदर आपका जैसे आपका फ्रूट्स हो गए और सब्जियाँ हो गई, दालें हो गई, पल्सेस, वो सब बनती है यहाँ पे. तो जैसे ब्रेकफास्ट का टाइम है, वी हैव कट इट डाउन दी फ्रूट्स. तो उसके अंदर हमने खरबूजा, तरबूज और पपीता, ये सब फ्रूट्स काटते हैं और सर्व करते हैं. उसके अलावा कभी ड्राई पोहा, कभी मिक्स पोहा, ये सब होता है. तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ. तो ये बड़ी सी किचन है, दिस इज़ द ड्राई स्टोर ओवर हेयर. यहाँ पे सारी दालें वगैरह एंड पोहा वगैरह जितना भी सब है, दालें, पल्सेस वगैरह सब यहाँ पे रखा रहता है. मिक्सिंग स्टेशन दे है, वो आरओ, वाटर सप्लाई, ये सब खाना वगैरह बनाने के लिए एक दो, एंड दिस इज़ फॉर द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई. ये सब चॉपिंग स्टेशन है. और यहाँ पे आपका सारा यूटेंसिल सॉरी वहाँ पे हो गए, यहाँ पे वॉशिंग हो गई बड़े यूटेंसिल्स की. वहाँ पे सारा आपका खाने पीने की जो प्लेटें हैं, कटोरियाँ, चम्मच, वो लाइनअप है. देन हम लाइक मेरे जैसे हम सब जहाँ पे सेवा कर रहे हैं, वॉलंटियर्स हैं, हम सब जब खाना खा के अपने अपने प्लेट्स खुद ही धोते हैं, तो वो सेम वही तरीका है. वी ऑल दो खाना वेस्ट करना अलाउड नहीं है, बट अगर स्टिल आपको कुछ खाना बच गया है, देन वी कीप इट सेपरेटली, अलग अलग. कुछ कंपोस्ट बन जाता है, कुछ एनिमल्स के लिए चला जाता है, तो उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि डॉग्स, कैट्स, काउज एंड कंपोस्ट. तो अलग अलग कैटेगरी में. एंड वंस यू आर डन विद द नाश्ता, आपकी जो भी मील है उसके बाद, यू विल कम ओवर हेयर, यू विल वॉश 1, 2, 3, रिंस इट ओवर हेयर. देन आपको उसके बाद ये जस्ट नारियल की जो खाल होती है वो, और प्लस आपका जो इधर से निकला हुआ जो खाना, उसमें चारकोल है, उसके साथ आप उसको धोते हो. देन सेकेंड डिप, थर्ड डिप, एंड देन वाटर एंड विनेगर. दिस इज द कुकिंग एरिया. यहाँ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्टोव्स लगे हुए हैं. आपको जलाना होता है लकड़ी, एंड जो भी इसमें से आपका जो भी कोयला निकलता है ना यहाँ पे, उसको भी यूज़ कर लेते हैं. उस कोयले को छान छान के उससे जो भी क्लीनिंग होती है ना आपकी बर्तनों की, वो सब कोयले की जो राख होती है उससे यूज़ कर लेते हैं. उससे कुछ कोयला हम लाइक जो लकड़ी यूज़ होती है, मतलब जो खाना बनाने के लिए जो वुड यूज़ होती है, उसका जो बचा हुआ वो है, उसकी राख बन के वो बर्तन वगैरह. अब जैसे कोकोनट से नारियल वगैरह है, तो उसकी जो छाल है नारियल की, वो यहाँ पे रखी है. तो इससे हम पूरा क्लीनिंग करते हैं बर्तन वगैरह की. तो दिस इज हाउ. और स्लीपर्स वगैरह सब बाहर, बेयरफुट आपको नंगे पैर होना होता है. देन ये स्टोर्स हैं, यहाँ पे आपका सारी सब्जियाँ, फल वल. अब जैसे ये बच गया है नाश्ते का जो भी है था, ये अब इसमें बॉक्स में चला जाएगा काऊ वगैरह के लिए, उनको खिलाने के लिए. और दिस इज़ द ड्राई, ये वैसा स्टोर है आपका. यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह सब रखी होती है, फ्रूट्स, एंड दिस इज़ अनियंस वगैरह. एंड दैट्स इट फॉर नाउ. हे एवरीवन, टाइम हो रहा है इस समय 9:30. वी जस्ट हैड अ ब्रेकफास्ट, सो 8:45 टाइम होता है यहाँ पे ब्रेकफास्ट का. सो 8:30 तक ब्रेकफास्ट हमने रेडी करके स्टार्ट कर लिया था. 8:45 वी स्टार्ट द ब्रेकफास्ट. तो अभी एक छोटा सा ब्रेक,
over there. Akash is sleeping over there. Sir is watching some videos. Area abhi ke liye thoda sa chill aur rest karte yaar. 5:30 baje utha tha na yaar, main thakan si to ho hi jati hai. सब्जियाँ वब्जियाँ काटी थी, खाना वाना बनाया था, अभी धोना भी है यार, इक्विपमेंट्स हो यार, अभी याद आया धोने भी हमें को ही। चलो बाय बाय। स्माइल, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो देयर इज अ गाय कॉल्ड ल्यूक ओवर हियर, तो ही हैज असाइंड अस अ टास्क, ये फायरवुड लेके आना है, लकड़ी लेके आनी है हमें जंगल में से। जो खाना बनता है ना वो यहाँ पे सिर्फ लकड़ी में बनता है, कोई कोयला वगैरह कुछ यूज़ नहीं होता है। तो अभी हम जा रहे हैं, देयर इज अनदर वॉलंटियर। अच्छा, इस पे चढ़ना ऊपर जाके, हाँ सो इफ यू कैन सी, जितने भी लकड़ी के पीसेज हैं ना, दे आर इन टू द यूनिफॉर्म फॉर्म, एकदम राउंड में है, एंड कोई भी पेड़ नहीं काटा गया यहाँ पे। जो भी पेड़ सूख के झड़ जाता है ना, उसको प्रॉपरली काट के दे विल स्टैक अप ओवर देयर, वहाँ पे स्टैक कर देते हैं, एंड वो काट काट के, ये दिस इज़ द यूनिफॉर्म फॉर्म। तो जब आप कुकिंग करते हैं ना, तो एक इवन अमाउंट, इक्वल और इवन अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है। सो वो एक प्रॉपर टाइम के साथ फायर उसमें जलता है, एंड इट वॉन्ट लेट योर फूड बर्न, वो खाने को जलने नहीं देता है। दिस इज़ वॉट आई अंडरस्टैंड, दैट्स वाई दे हैव ऑल वुड्स इन अ यूनिफॉर्म शेप। What's up, buddy? Do you need help? Thank you. I'm good. Let me help you. Oh yeah. Thank you for giving helping hand. Offering the helping hand. Yeah. Let me just put them. These are washed. Are you recording or what? Yes, it is getting recorded. He is a gopi from Andhra. Yeah. He is residing in Hyderabad, and he is the most hardworking guy. He is most hardworking guy. He is the most hardworking guy in Sadhana Forest. She is the most hardworking girl in Sadhana Forest. She is the only girl. Only girl. Yeah. She is the only girl over here, and you are the only hardworking guy. गलत बात कर रहे हैं यार. लंच हो गया, टाइम लगभग इस समय 3:30 और मे बी 4 बज रहे हैं, और मॉर्निंग में नहाने धोने का सीन नहीं होता है यहाँ पे ना, क्योंकि आप 5:30 बजे तो उठती हैं और अंधेरा होता है एकदम। 5:30 बजे थोड़ा थोड़ा सा दिन निकलने लग जाता है, 6 बजे दिन निकलता है यहाँ पे, फिर सनराइज़ होता है। तो आप फ्रेश होते हो, थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइज करते हो, ब्रश वगैरह करते हो, फ्रेशन अप होते हो, और उसके बाद फिर आप काम में लग जाते हो। सो फर्स्ट 2 आवर्स आप मेजरली जो मेन काम होता है वो करते हो आप, जो भी आपका गौशाला में है, क्लीनिंग है, सफाई है, जो भी काम करना होता है, और प्लस ब्रेकफास्ट पैरेलली प्रिपेयर हो रहा होता है। लाइक 8:30 तक ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है, और उसके बाद 9:45 से आप अपना ब्रेकफास्ट करते हो, एंड देन वो आधे एक घंटे का ब्रेक होता है। फिर उसके बाद दोबारा सेकेंड सेशन होता है, उसके अंदर बाकी जो बचा कुचा काम होता है, जो भी मेजर काम होता है वो करते हैं हम। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर 12:30 बजे तक वो काम निपटा के 1:15 बजे से फिर हम लंच करते हैं। उसके बाद फिर जो टाइम बचा हुआ है ना, देन दैट इज़ फ्री फॉर यू। आपको जो करना है, आपको बाहर जाना है, एक्सप्लोर करना है, आप एक्सप्लोर करने जा सकते हैं, आप अपना पर्सनल काम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, सो जाइए, नहाना धोना जो भी है फिर उसके बाद फॉलो होता है। तो मैं भी अब नहाने आया हूँ। अब साधना विलेज के अंदर भाई सब कुछ तो ईजी नहीं है, एंड बहुत हाई फाई भी नहीं है, एंड एज लाइक बहुत आउटडेटेड भी नहीं है, बट येस देयर इज़ अ बिट ऑफ एफर्ट, थोड़ी मेहनत तो है यार हर चीज़ में, दैट्स ओके यार, हमें उसकी वैल्यू पता चलनी चाहिए।
दिल्ली में रह के मैं अभी पानी 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 करते रहता, पानी नहीं आ रहा पानी नहीं आ रहा। यहाँ पे आके रियलाइज़ हुआ कि कंजर्व करते हैं पानी को, फिर ज़मीन में से निकालते हैं, एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग यूटिलाइज ओवर हेयर। और जो भी पानी यहाँ से निकलता है नहाने धोने से जो भी है, वो फिर अब पौधों में चला जाता है। वहाँ कहीं सामने आपको दिख रहा है वहाँ पे पाइप है, पानी है। अब यहाँ से वहाँ तक या तो मैं बाल्टी ला सकता हूँ या पाइप ला सकता हूँ। तो मेरे को थोड़े मेरे कपड़े धोने हैं, टी शर्ट्स वगैरह, तो आई थॉट के पाइप खींच के लाते हैं वहाँ से और कपड़े धोते हैं और आपको दिखाते हैं कि ठीक है यार, सस्टेनेबल लिविंग कम्स विद सम टाइप ऑफ वर्क। मतलब आप यहाँ पे रहने आए हो जंगल में, थोड़ी तो मेहनत कर लोगे, दैट इज़ अनदर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। सारी लग्जरीज अगर नहीं है लाइफ में तो इन अ सिंपल वे ठीक है। आई एम डन विद दिस नहाना, मज़ा आ गया नहा के। आप कपड़े धो लेते हैं अपने फटाफट यार, धूप तो जा ही चुकी है, बट धो के डाल देते हैं, सूखते रहेंगे अपने आप। कभी आप सातना फॉरेस्ट आओ ना, तो आपको अगर आपको काम ये सब काम करने के हैबिचुअल नहीं है ना, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आई एम वेरी हैबिचुअल टू दीज थिंग्स, मैं अपने घर पे भी कुछ कर सकता हूँ ये सब काम और कर लेता हूँ, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े धोना, सब्जी काटना, ये सब चीज़ें, आई एम रियली गुड एट दिस। माइंड्स में अगर आप कपड़े धो सकते हो अपना ट्रैवल करने के साथ साथ, अगर अपनी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, तो आप बहुत कम कैरी कर सकते हो, आपको अननेसेसरली एक्सेस कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो चार जोड़ी लिमिटेड लो, बैक पैक करो, चलते बनो, डार्क वार्क कलर के कपड़े ले लो, वाइट मत लो ज़्यादा, और मौका मिले धो दो, सुखा दो, चलते रहो, घूमते रहो, धोते रहो, थोड़ी देर भीगने रहते हैं। चलो भाई, कपड़े भी हो गए अपने, लटका दिए हैं, सूखते रहेंगे दो दिन तक, उधर टी शर्ट निकर अपना सूखते रहेंगे, निपटाते रहेंगे। अब चलते हैं, नहाना भी हो गया, कपड़े धोना भी हो गया, सारे काम हो गए दिन के। अब शाम का प्लान बना रहे हैं हम कि मूवी देखी जाए कि टहलने जाया जाए, नेचर्स वॉक विल बी बेटर और द मूवी। It will take us to opposite to Jibmer Hospital main gate near bus stop. Is that fine?